आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मानुष चेष्टा कर ले कि नारे तो हिचु आमी और अपने विशाल ब्रो को देखो, ये अपना मतलब मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में सोचा ही नहीं था। देखा हम लोग जो साइकिल से जो इतना दूर ट्रेवल कर पाएंगे। और सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम मतलब आज कहाँ पे मतलब जंगलों के बीच से। आज का जो वीडियो है मैं मतलब जंगलों के बीच से स्टार्ट कर रहा हूँ और आज का व्लॉग जो है मोटो व्लॉग नहीं होगा आप लोगों के लिए, जस्ट एक सिंपल व्लॉग होगा। मतलब हम लोग अपने दोस्तों के साथ आए हैं। लोगों को तो शायद से पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या चीज से आए। हम लोग आज आए हैं अपने साइकिल से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने तो मैं इंट्रो दे देता हूँ। सो नमस्ते मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज SH01 बाइकर्स। तो गाइस अभी हम लोग मतलब अपने घर से बोले तो अपने गुवाहाटी से करीबन 25-23 किलोमीटर चलाकर आ चुके हैं। और अभी हम लोग मतलब कहाँ पे अभी पता नहीं, इस जंगलों के बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट लिया और ये अपना सेकंड स्टॉपेज है। और मैं मतलब आज का ब्लॉग जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मेरा मतलब गोप्रो जो था वो अपने बैड डैज भाई के पास था और मैं आज आप लोगों को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आज हम लोगों के साथ कौन कौन है। फर्स्ट टाइम वो लोग मतलब मेरे व्लॉग में आएंगे और आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। मतलब इतने दूर तक मैं साइकिल राइड करके आ रहा हूँ। आप लोग भी इंजॉय करो मेरे साथ और मैं भी इंजॉय करता हूँ ये साइकिल राइड। लोकेशन आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा मैं कौन से लोकेशन पे हूँ अभी, बिकॉज मैं वहाँ पे जो लाइव अपडेट्स देता रहता हूँ। और आप लोग जो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लो अगर आप लोगों को लाइव अपडेट्स चाहिए। और आज अपने साथ चलो मैं मिला तो उन सब भाइयों से सब मिक्स खोल देगा। तो गाइस आज हमारे साथ है अपने बैड डाइस ब्रो जो मतलब फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं और मैं भी मतलब भाई के चैनल पे फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। सो आप लोग को भाई का वीडियो जो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग सब आज जा रहे हैं सोरे से फर्स्ट टाइम ना जी साइकिल लेके ने सब और सबका मतलब फर्स्ट टाइम है अपने ये बावल मतलब हम लोग इसे मतलब अपना लोकल विशाल ब्रो विशाल ब्रो है हम लोग इसे मतलब बावल के नाम से बोलते। और अपने उधर है खादी भाई। सो सब लोग आज मतलब फर्स्ट टाइम आ रहे और मतलब बहुत लोग जो है मतलब बोल रहे थे हाँ हम लोग इतने दूर तक जो साइकिल राइड करके नहीं आ सकेंगे। तो বহুতে কৈ আছিলে ন তো সেইটো বস্তুটো আমি মানে অলপমান বেলেগ সিহঁতক মানে অলপ দিমাগত সোমাই দিব খুজিছোঁ যে আমিও যাব পাৰোঁ ইমান দূৰ, যিমান নহওক মানুহে চেষ্টা কৰিলে কি নোৱাৰে, তো সেইটো আমি দেখাই আছোঁ, সিহঁতক প্ৰুফটো দি আছোঁ মানে সেইটো কাৰণে সব পচিবল হয়। আচ্ছা সেইকাৰণে গৈ আছোঁ আমি ডেষ্টিনেশ্যনটোলৈকে। ইচিলে মানে আমি আজ কমপ্লিট কৰা আৰু দেখতে আজ হম লোক ঘৰ ৱাপাস যা সকতে হে য়া ফিৰ নহীঁ। আগৰ ধূপ যো হে বহুত হি জ্যাদা আ ৰহা হে তো দেখতে ক্যা হোতা হে আৰু আজ ঘৰ ইয়াহা সে ৰিটার্ন যা সকতে হে য়া ফিৰ নহীঁ, বিকজ আজকাল যো কৰ্ফিউ হে বহুত হি থোড়া বহুত হাই এলার্ট পে আ গয়া হে আপনে গুৱাহাটী সিটি মে, ইচিলে দেখতা হো ক্যা হো সকতা হে। करीबन 4:30 को निकल चुके थे और वहाँ से हमें 2 hours करीबन लगा यहाँ पहुँचने में। और अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ब्रेक लेते बिकॉज उस समय से हम लोगों ने ब्रेक नहीं लिया था। सो अभी थोड़ा बहुत भाई लोग जो थोड़ा चलो चेयर्स कर दो, आप लोग भी चेयर्स कर दो। और अपने विशाल ब्रो को देखो, ये अपना मतलब इससे देखो ये मतलब अपना जो बैकबोन है उसे थोड़ा बहुत स्ट्रेट कर रहा है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जाकर कमेंट करना और बोलना था आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का व्लॉग। और आज आप लोगों को जो व्लॉगिंग ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, इस व्लॉग में ज्यादातर जो म्यूजिक के साथ आप लोगों को व्यू एंजॉय करने को मिलेगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी कर लेते गाइस, ऑफ रोड विथ आवर साइकिल भाई साहब। ओ
और वेदर देखो बहुत ही सुंदर वेदर हो चुका है, बिकॉज अभी धूप भी नहीं है और एकदम नॉर्मल हो चुका है। ऐसा ही अगर वेदर है तो साइकिलिंग करने का एक दूसरे लेवल का मतलब फील आता है। वेदर गाइस, क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखो यार, आई लाइक दिस फॉर्मेशन। ये मतलब ये डायलॉग मैंने बहुत सारे वीडियो में दिया आप लोगों को, दैट क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखो, बिकॉज क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, ये मेरे को बोलने में मजबूर कर देता है, सो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। उधर देखो पूरा मतलब बारिश हो रहा होगा अपने मेघालय में, और इधर देखो। सो कैसे भी हम लोग चांदू भी पहुंचने वाले हैं, अभी थोड़ा बहुत मतलब हम लोगों ने यहाँ पे फिर से एक ब्रेक लिया और अपना जो रेनकोट है मैंने लगा लिया था, बिकॉज रास्ते में जो बहुत ही तेज बारिश आ रहा था। सो अभी अपना जो साइकिल्स वगैरह है बोले तो बाइक्स, अपना बाइक्स यहाँ पे लाइनअप किया हुआ है और यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह क्लिक कर दे। और हाफ ऑफ द वे मैंने आप लोगों को व्यू नहीं दिखा पाया, बिकॉज वहाँ पे जो बहुत ही तेज बारिश आ गया था, इसलिए जो अपना कैमरा मैंने बैग में रख दिया था। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है कैसा लग रहा है मेरे को, मतलब फर्स्ट टाइम साइकिल राइड करके इतना दूर तक ट्रेवल किया, वो सब एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूंगा। सो स्टे ट्यून रहना और आप लोग जो वीडियो को एंजॉय करता रहो। हम लोगों ने अपना जो लंच था वो सब कर लिया, भाई का कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं तो उनके घर पे हम लोग आज स्टे करने वाले, और आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो अभी चलते हैं चांदूबी की तरफ, और ये रहे अपने बैड डाइस ब्रो, तो सब आगे निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। सो और अभी के फिलहाल का टाइम हो रहा है आपका 4 PM, सो लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं। बोला ये है आपका टूरिस्ट ऑफिस जो अभी फिलहाल से बंद है। सो गाइस फाइनली जो हम लोग अपने लोकेशन पे, अपना जो डेस्टिनेशन था अपने गुवाहाटी से चांदूबी का, आपका करीबन कितने किलोमीटर होगा पूरा टोटल, 55 तक होगा शायद से, बिकॉज हम लोग जब बाइक पे आते बाइक का किलोमीटर कुछ एक दूसरा दिखाता है, फिर वॉकिंग का कुछ एक दूसरा दिखाता है। सो हम लोगों ने बाइक का और वॉकिंग का दोनों को थोड़ा बहुत बीच में रख कर ऐसे ही किलोमीटर को जो प्लस कर लिया। सो 55 to 50 किलोमीटर अपना अप डाउन हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके अपने चांदूबी में, तो अपना जो राइड था वो फाइनली तो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग जो सब लोग सक्सेसफुल हो गए इस राइड पे। अपना जो विशाल ब्रो उनका रिलेटिव को यहाँ पे रहता है, सो आज हम लोग उनके घर पे रहने वाले, और आज आप लोगों को जो बहुत सारा मतलब इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो सब होने वाला है आज, बिकॉज हम लोगों को मतलब बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पता चला आज वो भैया से। सो वो भैया से भी मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा थोड़ी देर बाद, वो सब जो भी हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में पता चला आज मैं आप लोगों को इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, शायद से दिखा भी सकता हूँ, और एल्स मैं नेक्स्ट व्लॉग कभी और आऊँगा अपनी बाइक से, फिर जो बहुत ही अच्छी तरीके से वो सब दिखाऊंगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में भैया बोल रहे थे। सो हम लोगों को फोटोज वगैरह भी दिखाए तो मैं आज रिवील नहीं करूँगा। बहुत ही अच्छा लगता है मतलब अगर हम लोग दूसरे प्लेस में आते और दूसरे प्लेसेस के बारे में सुनने को मिलता है, ऐसा वैसा कुछ साल पहले डेट इस जगह पे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, सो ये सब सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ ये सब, बट आज के व्लॉग में शायद अच्छे नहीं हो पाएगा, तो देखता हूँ क्या होता है, आप लोग वेट करो मेरे साथ। और फिलहाल से जो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह अलाउ नहीं हो रहा है, सो यहाँ का जो कंडीशन है अपने जो चांदूबी लेक का कंडीशन है वो बहुत ही बुरा हो रहा है, सो देखते हैं अभी कितना जल्दी जो टूरिस्ट अलाउ होता है यहाँ पे। होप फॉर द बेस्ट दैट बहुत ही जल्द टूरिस्ट लोग को भी अलाउ करे और यहाँ पे जो फिर से नॉर्मल हो जाए सब कुछ। इस इतने बड़े पेड़ पे एक आर्ट किया जो मेरे को बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा, सो मैं सोचा आप लोगों को भी क्यों ना दिखा दूं। और ये जो आर्ट किया हुआ है बाय लाबन दास, तो यही के साथ से रहने वाले।
ये रहा अपना नेक्स्ट लोकेशन, और यहाँ से जो व्यू है गाइस बहुत ही एक दूसरे लेवल का व्यू है। हम लोग मतलब अभी कहाँ पे आप लोगों को बताया, हम लोग यहाँ से जो उकियम भी जा सकते हो, इसके ऊपर से शॉर्टकट है, और इससे जो दूसरे लेवल का और एक जगह है वहाँ पे मैं आप लोगों को अभी लेकर जाना चाहता हूँ। और हम लोग जो है सोचा नहीं था साइकिल से जो हम लोग इतना अच्छा अच्छा जगह जो एक्सप्लोर कर पाएंगे, और इस जगह को एक्सप्लोर करवाने का बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया हम लोगों को इस भैया ने। सो भैया थैंक यू। सो हम लोगों का हेल्प किया, मतलब ये भैया ने बहुत ही सुंदर सुंदर जगह जो हम लोग को एक्सप्लोर करवाया। और अभी जा रहे थोड़ा बहुत नेक्स्ट लोकेशन पे, वहाँ पे जाकर आप लोगों को और एक दूसरे लेवल का व्यू दिखाता हूँ। चलो सो यहाँ से भी जो व्यू है गाइस, फुल टू अमेजिंग व्यू, फुल लॉन। सो गाइस आफ्टर 52-55 किलोमीटर्स, मैं आप लोग को बोल रहा था हम लोग का जो टोटल राइड होगा सिर्फ आने का वो होगा 52-55 किलोमीटर्स, बट हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा और किलोमीटर्स कर दिया है बिकॉज आप लोगों को मेरे पीछे जो व्यू है वो दिख ही रहा होगा, ये सब व्यू देखने के लिए। अभी आपका किलोमीटर्स हो चुका होगा 60 किलोमीटर्स, सो आफ्टर 60 किलोमीटर्स ये व्यू देखिए, आप लोग इन्जॉय कीजिए। देखिए पीछे मेरा व्यू देखिए, और पीछे में एक अपना रिजॉर्ट है वहाँ पे। सो अभी फिलहाल से वो बंद है फॉर टूरिस्ट बिकॉज पेंडेमिक है, इसीलिए अभी कुछ भी यहाँ पे जो ओपन नहीं हुआ, और हम लोग जो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आकर कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जो एकदम से चिल कर सकते हैं। लोकेशन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बोलता हूँ, ये जो लोकेशन है ये कहाँ पे, और आप लोग अगर आना चाहते तो आप लोगों को कैसे आना पड़ेगा। सोचा ही नहीं था था हम लोग जो साइकिल से जो इतना दूर ट्रेवल कर पाएंगे और आप लोगों को जो ऐसा इतना सुंदर सा नज़ारा एंजॉय करवा पाऊंगा। और पीछे जो अपना सनसेट हो रहा है वो अभी कुछ ही देर में जो यहाँ पे अंधेरा होने वाला है, सो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से निकलते भी बिकॉज यहाँ से जो अपना लोकेशन जहाँ हम लोग आज स्टे करने वाले अराउंड 10 किलोमीटर्स के करीब है। सो अभी चलते यहाँ से और निकलते, और हम लोगों ने ट्राई किया था यहाँ पे थोड़ा बहुत साइकिलिंग करके देखते, बट यहाँ पे जो साइकिलिंग करना बहुत ही ज़्यादा टफ है बिकॉज यहाँ पे जो ये मिट्टी है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर तक चला जाता है। सो अपना जो मन था यहाँ पे साइकिलिंग करने का वो हुआ नहीं बिकॉज हम लोग जब ऊपर से आ रहे थे तब हम लोग बोल रहे थे देन यहाँ पे थोड़ा बहुत साइकिलिंग करके ट्राई करेंगे। क्लाउड्स देखो पूरा मतलब बारिश जो है लग रहा है फिर से आने वाला है। सो लेट्स गो नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं आप लोगों के साथ फिर से मिल रहा हूँ नेक्स्ट डे को, और मैं कल जो व्लॉग नहीं कर पाया था बिकॉज मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था, और घर वापस जाकर बहुत ही जल्द अपना डिनर किया, डिनर करने के बाद जो हम लोग सब सो गए। फिर मैं आज मिल रहा हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे को, जो वो नेवर थे उनके घर से हम लोग करीबन 8 बजे करीब निकले, और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है आपका 10:20। तो आज जो बहुत ही जल्द हम लोग कवर कर रहे हैं डिस्टेंस बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और बहुत ही अनसीन जगहों को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। फर्स्ट टाइम देखा कुछ एक रानी खामा जगह था, एकदम आइलैंड की तरह था, तो आप लोग भी आकर यहाँ पे विजिट कर सकते हो अगर आप लोगों को वहाँ पे आना है तो। आप लोग सोलोका वाटरफॉल्स मार सकते हो गूगल मैप पे, और डायरेक्ट जो रानी खामा मारना और वो जगह जो आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और पता नहीं ब्लॉग जो कैसा हो रहा होगा, मेरे को घर जाकर ही पता चलेगा और एडिट करने के बाद ही पता चलेगा ब्लॉग जो कैसा हुआ है। सो गाइस साइकिल पे आया था इसलिए मतलब ज़्यादा बहुत हम लोगों के पास गैजेट्स वगैरह नहीं है फॉर साइकिल में ब्लॉग करने के लिए, सो हम लोगों ने थोड़ा बहुत आप लोगों को एक्सप्लोर करवाया बिकॉज मोटो ब्लॉग होता तो बहुत ही कुछ डिफरेंट तरीके से हम लोग मोटो ब्लॉग करते हैं और साइकिल में दूसरे तरीके से करना पड़ता है। सो अभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से निकलता हूँ, और मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरे साइकिल राइड के बारे में बोल देता हूँ कैसा लगा साइकिल राइड करने के बाद। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत साइकिल राइड के बारे में बोल देता हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस था वो कैसा लगा साइकिल राइड करके इतना दूर। तो एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताऊँ, एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया तो बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज नया चीज़ कुछ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग जब बाइक पे आते हैं तो बाइक पे आने से क्या होता है बहुत ही जल्द पहुंच जाते हैं, और साइकिल जब राइड करते हैं तो साइकिल का स्पीड आपका 20-30 और ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा लगता है कब हम लोग पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे, कब पहुंचेंगे ऐसा है, मतलब
माइंड में चलता रहता है। सो ऐसा ही थोड़ा बहुत बोर भी हुए थे, इतना भी ज़्यादा बोर नहीं हुए, जब बारिश देता था तब जो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते थे। सो देखते हैं और कभी अगर प्लान करते साइकिल राइड के लिए, अब देखते कितना किलोमीटर जो हम लोग क्रॉस कर सके। अभी मेरे को किलोमीटर भी पता नहीं चला डेट एग्जैक्ट किलोमीटर हम लोगों ने कितना क्रॉस किया, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लो डेट एग्जैक्ट किलोमीटर, मैं वहाँ पर लिख दूंगा बिकॉज घर जाकर ही पता चलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो नेटवर्क थोड़ा भी नहीं मिलता। सो गाइस आज का जो वीडियो में यही एंड करता हूं, गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और देखते कभी और अगर साइकिल राइड पे निकलते हैं तो आप लोगों को जरूर से बोल दूंगा और आप लोग भी आना, एक साथ हम लोग साइकिल राइड करेंगे। टिल देन गुड बाय।